हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी वी फैशन। आज के इस वीडियो में हम रोज फ्लावर बनाएंगे, उसे हम किसी भी ड्रेस पे यूज कर सकते हैं। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होगी, बस यहाँ पे एक रिबन लेना होगा हमें। रिबन आप किसी भी कलर का ले सकते हो, जिस कलर का आप रोज बनाना चाहो उस कलर का आप रिबन ले सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक रिबन लिया, ये करीब आधे इंच चौड़ा रिबन है और इसकी लंबाई जो है वो ली है मैंने 40 इंच, 1 मीटर के करीब इसकी लंबाई ली है। यहाँ पे मैं छोटे साइज का फ्लावर बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने 1 मीटर के करीब इसकी लंबाई ली है। अगर आपको और बड़ा फ्लावर बनाना है तो इसकी लंबाई और ज़्यादा ले लीजिए। यहाँ से इसको कट कर लूँगी, मुझे बस 1 मीटर के करीब ये लेना है। ये एक यहाँ पे हमने लिए बड़े साइज की सुई, तो यहाँ पे हम बड़े साइज की सुई का यूज करेंगे, इससे ये फ्लावर बनेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे जो हम ये रिबन लेंगे ये इसे यहाँ कॉर्नर से 2.5 इंच इस तरीके से बाहर निकालेंगे और फिर यहाँ पे किनारे वाली साइड से रिबन को सुई के अंदर डालेंगे। 2.5 इंच से हम रहने देंगे और यहाँ से सुई के अंदर डालेंगे। अब इस सुई को इस तरीके से तिरछा करेंगे और दूसरे कॉर्नर से यहाँ से डालेंगे और यहाँ से इसका साइज रखना हमें 1 इंच। शुरू में हमें 1 इंच से इसका साइज शुरू करना है। ये देखिए, यहाँ पर 1 इंच है। इसी तरीके से हमें सुई में अंदर डालते जाना, 1-1 इंच के करीब डालना 4-5 बार हमें। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसका साइज बढ़ाते जाना है। इसी तरीके से रिबन को सुई के अंदर डालते जाना, एक बार इधर की तरफ से डालेंगे, दूसरी बार दूसरी तरफ से डालेंगे। इसी तरीके से रिबन को डालते जाना और इसका साइज बढ़ाते जाना है, हर बार थोड़ा थोड़ा इसका साइज बढ़ाते जाना है। ये फ्लावर बन के काफ़ी खूबसूरत लगेगा, आप इसे किसी भी ड्रेस पे यूज कर सकते हो। मैं इसे एक ड्रेस पे यूज करूँगी तो उसका वीडियो मैं आगे डालूंगी। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए, इसी तरीके से हमने पूरे रिबन को सुई के अंदर डाल लिया है और यहाँ से थोड़ा से सेम ऐसे ही रहने देंगे। इसमें बाद में हमें नॉट लगानी है तो उसके लिए इसे छोड़ देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे सारा रिबन हमने सुई के अंदर डाल लिया है। ये देखिए, अब हम इसको एक जगह इकट्ठा करके इस तरीके से पकड़ लेंगे इसे, और यहाँ से जो हमने 2.5 इंच पहले रखा था इसको यहाँ से साइड से कॉर्नर से कट करके इसमें एक नोक बनाएंगे और इसे सुई के अंदर डाल लेंगे। यहाँ से इसे सुई के अंदर डाल लेंगे। ये सुई के अंदर डाल लिया। अब इसे धीरे धीरे आराम आराम से बाहर की तरफ खींचेंगे। ये बहुत टाइट खींचेगा क्योंकि इसके अंदर धागा नहीं है, ये रिबन है सुई के अंदर, तो ये थोड़ा टाइट ही खींचेगा। तो इसे आराम आराम से बाहर की तरफ निकाल लीजिए सुई को।
फ्रेंड्स, मेरा इंस्टा पे भी पेज रजनी वी फैशन के नाम से ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और ये देखिए, यहाँ धीरे धीरे करके आराम आराम से हमने सुई को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए, बाहर निकाल लिया सुई को हमने, रिबन बाहर की तरफ आ गया है। अब इसमें से सुई को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे। और यहाँ पे जो रिबन वाली साइड जो सुई के अंदर थी, उसे थोड़ा टाइट खींचेंगे हल्का सा, जिससे कि ऊपर से फ्लावर का लुक अच्छा आए। और यहाँ पे अच्छे तरीके से नॉट लगा लेंगे। और इसे यहाँ से एक्स्ट्रा जो यहाँ पे रिबन बचा हुआ है, इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, कितना खूबसूरत सा फ्लावर बनके यहाँ पर रेडी हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये वाली फ्लावर बना के मैं एक ड्रेस में यूज करूँगी, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी डालूंगी, तो उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।